हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11th का ब्लूप्रिंट, यानी कि जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें क्या चीज़ें हमारी कोर्स में और कितने नंबर की है। ठीक है, किस चैप्टर से कितना आना है, कितने नंबर का आता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सीबीएसई ने जो इस बार 2022-23 के लिए जो अपलोड किया है, और अगर आपने देख रखा है या नहीं देखा है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आपने देखा भी होगा तो उसे तो पूरा अच्छे से नहीं देखा हो। तो एक तो आपको देखो, टोटल 80 मार्क्स की अगर हम बात करें, टोटल जो आपका पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको ये 5 यूनिट्स में डिवाइड करा गया। पहली यूनिट का नाम है सेट्स एंड फंक्शन, दूसरा एलजेब्रा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये चैप्टर किस तरीके से डिवाइडेड है, यानी ये यूनिट, इस एक यूनिट में कितने चैप्टर हैं, एलजेब्रा में हमारे कितने चैप्टर हैं, वो सारी चीजें हम जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया। चलो अगर हम बात करें कि भाई सेट्स जो है वो कितने मार्क्स का है, 23। तो हम बात कर लेते हैं कि ये 23 मार्क्स जो है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइड होंगे। अच्छा, एक बात और लिखिए साहब साहब, नो चैप्टर यूनिट वाइज वेटेज, मतलब चैप्टर वाइज वेटेज नहीं होती है, यूनिट वाइज आपको बताया जाता है कि सेट्स एंड फंक्शन जो है वो 23 मार्क्स का होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेट्स की, तो यूनिट वन की देखें सेट्स एंड फंक्शन में हमारा क्या क्या आएगा। ये हमारा पहला नंबर है चैप्टर नंबर वन, सेट्स आप बुक उठा लो चाहो तो। रिलेशन फंक्शन चैप्टर नंबर टू है हमारा, और हमारा चैप्टर नंबर थ्री है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये तीनों के तीनों ये हमारे आएंगे किसमें, ये हमारे आएंगे फर्स्ट यूनिट में, जिसका नाम है सेट्स रिलेशन फंक्शन, और ये कितने नंबर का है, 23 मार्क्स का है। अब बात करते हैं एलजेब्रा में जो 25 मार्क्स हैं उनमें किस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, अच्छा अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको ये जानना है क्लास 11 में कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है और कौन से क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो मैंने क्लास 11 का डिलीटेड पोर्शन का एक वीडियो बना रखा है, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि भाई इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ठीक है, ये चीज है। चलो अब बात करते हैं एलजेब्रा हमारा जो यूनिट है जिसमें 25 मार्क्स का है, किसमें 25 मार्क्स का है, तो हमारे तीन चैप्टर वहां कवर हो गए, मतलब फर्स्ट यूनिट में। अब देखो ये नंबर है चैप्टर नंबर 5, अब आप कहोगे सर चैप्टर नंबर 4 वो डिलीटेड हो गया है, पीएमआई जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो डिलीट हो गया। ये हमारा लीनियर इक्वालिटी चैप्टर नंबर 6 है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7 है, और बाइनोमियल थ्योरम हमारा चैप्टर नंबर 8 है। यानी इतने चैप्टर हमारे एलजेब्रा यानी सेकेंड यूनिट में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, और हाँ सिक्वेंस एंड सीरीज भी आ रहा है, तो ये भी, और ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, चैप्टर नंबर 9, ये हमारा 25 मार्क्स का हो गया। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ये 12 मार्क्स का है। ठीक है, तो 12 मार्क्स का रह गया है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आपका स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11 है, और इंट्रोडक्शन टू 3D चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी से आप चैप्टर मैच कर सकते हो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये आप देख लीजिए, मतलब कैलकुलस है नेक्स्ट यूनिट, जिसके अंदर 8 मार्क्स का रहेगा, और इसमें चैप्टर्स हमारे रहेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 है, ये चीजें हैं। अच्छा एक चीज और आपको साथ के साथ बताता चलता हूँ, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो कर दो, और आपको कैसे स्टडी करनी है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर बात करूं मैं आपसे, इसमें अगर मैं ये फोल्डर की बात करूं, एक आपके पास फोल्डर है, इस फोल्डर का यूज करके आप इजीली चीजें एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो आपको क्लास 11 स्टार्ट करना है, तो आपने क्लास 11 पे क्लिक करा और ये पीडीएफ आपने ओपन कर ली। इस पीडीएफ को ओपन करने के बाद क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि भाई कैसे स्टार्ट करना है। जैसे मान लो ये है, तो पूरा लिखा है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है चैप्टर 1 से, चैप्टर का नेम है सेट। अब आपने स्टार्ट करा, लेक्चर देखा, उसका लिखा एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आपको वन शॉट देख लेना है जिससे अच्छे से कवर हो जाएगा, ये कर लिया। इसके बाद मार्क्स बूस्टर करना एक असाइनमेंट है, इस पर क्लिक कर देना, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, इतना अच्छा तो आपको यार कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजिली कर सकते हो। और आप चाहते हो कि 11 से ही अपनी आईआईटी जेई की तैयारी करनी है, इसी तरीके से आप जेई वाले फोल्डर पर जाना, वहां पर आपको जेई के लिए पूरा गाइड कर रखा है, आप उस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट यूनिट हमारी है स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 तक हो गया था, ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है। अब अगेन
14 कहाँ गया, डिलीट हो गया, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर नंबर 16 है, और ये भी यूनिट हमारी जो है 20 नंबर की है, आप चाहो तो चेक कर लो इधर से, 20 मार्क्स की थी हमारी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, सॉरी 12 मार्क्स की थी, तो ये हमारी 12 मार्क्स की होगी। तो यानी हमारी ये पांच यूनिट जो है 23, 25, 12, 8, 12, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छी वेटेज है शुरुआत में ही, ठीक है। तो 48 मार्क्स के आसपास यहाँ पे शुरुआत के दो यूनिट में कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक वेटेज थी, बाकी आप लोग बताओ आपने पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं करा, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करो, अगर कर दिया है तो कितने चैप्टर्स कर लिए वो मुझे बताना, और नहीं किया तो वो भी लिख देना, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।